राजनीति भी अजीब तरह की चीज है। जब समय ठीक होता है तो हर चीज आपके अनुकूल होने लगता है, और जब समय खराब होगा तो हर चीज आपके विपरीत जाती हुई चीजें दिखाई पड़ेगी। कुछ ऐसा ही राहुल गांधी के साथ हो रहा है। कल राहुल गांधी ने दिल्ली के करोलबाग इलाके में मोटरसाइकिल बनाने वाले मैकेनिक के घर गए, उनकी दुकान गए, वहाँ बैठकर एक पेचकस लिया और उनकी फोटो जो आई उसमें ये दिखाया गया, ये देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी मोटर मैकेनिक, मतलब कि जो असंगठित क्षेत्र है, दो तरह के रोजगार होते हैं, एक संगठित क्षेत्र में रोजगार होता है, एक असंगठित क्षेत्र में। तो राहुल गांधी मोटर मैकेनिक के दुकान जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, फिर कांग्रेस पार्टी उनके इस फोटोग्राफ्स को जो हाथ में पेचकस लिए हुए हैं उसको अपने ट्विटर हैंडल पर डाल करके देश को बता रही है कि देश का जननायक ऐसा होता है। देश का जननायक कैसा होता है ये तो जनता तय करती है, लेकिन राजनीति का जो अभी दौर चल रहा है उसमें इस तरह के फोटो को आना, और जो सत्ता में बैठी हुई है बीजेपी और मोदी सरकार, जिस तरीके से भोपाल में कल उन्होंने पसमांदा मुसलमानों के की चिंता कर रहे थे, कॉमन सिविल कोड की चर्चा कर रहे थे, और राहुल गांधी लेबर के घर, लेबर के दुकान में बैठ करके राजनीति की बातें को समझने का प्रयास कर रहे थे, देश को समझने का प्रयास कर रहे थे, जैसा कि कांग्रेस पार्टी बता रही है। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी एक चक्रव्यूह ऐसा रच रहे हैं जिसमें मोदी फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मोदी मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब मोदी, आज की तारीख में राजनीति तो यही दिखा रहा है, यही बता रहा है। तो जो राहुल गांधी का जो चक्रव्यूह है वो उसकी शुरुआत होती है भारत जोड़ो यात्रा से। हम आज इसलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हर रोज अब जो पहले काम बीजेपी करती थी अब राहुल गांधी कर रहे हैं। पहले कांग्रेस और राहुल गांधी बीजेपी के पिच पर जाकर खेलती थी, मतलब इशू बीजेपी की ओर से बनाया जाया था, उसके खंडन करना, उसके प्रतिक्रिया देना, ये काम होता था कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों को। समय बदल गया, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि कांग्रेस कोई बात कहती है उसको सफाई देने के लिए बीजेपी सामने आ रही है, यानी कि बीजेपी के पिच पर कांग्रेस ने खेलना बंद कर दिया और अब कांग्रेस के पिच पर अब बीजेपी खेल रही है। यही वजह है कि देखिए देश में पिछले 56-57 दिन से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर एक संकट बना हुआ है देश के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जो भी जानकार हैं वो बताते हैं कि मणिपुर का संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है और इसका इम्पैक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। क्योंकि किसी देश की आंतरिक व्यवस्था अगर ठीक है, मजबूत है, तो समझिए कि देश मजबूत है। लेकिन उसी मणिपुर में जहां पर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, जहां प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, उनको अपील करनी चाहिए थी कि मणिपुर के लोग से शांति की अपील करते हैं, मणिपुर के राजनीतिक दल प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दो दो बार आवेदन दिए लेकिन उनको मिलने का मौका नहीं मिला और वो नहीं मिल पाए, ना प्रधानमंत्री मिल पाए, ना एक शब्द बोल पाए। और कल 29 और 30 तारीख को राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? राजनीति करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आप राजनीति करेंगे ही करेंगे, कोई समाज सेवा करने तो आता नहीं है राजनीति में। लेकिन यही राजनीति कभी कभी आपको भारी पड़ जाती है। देश को महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर बोलना चाहिए नेताओं को, लेकिन प्रधानमंत्री जब आते हैं विदेश से लौट करके तो उनका टॉपिक होता है पसमांदा मुसलमान पर चिंता जताना, देश में एक कानून लागू करने की बात करते हैं और तमाम तरह के पॉलिटिकल पार्टीज पर अपना गुस्सा या आरोप प्रत्यारोप बताते हैं। कहने का मतलब ये हुआ
कि राहुल गांधी जो की जो कल यात्रा है मणिपुर, वो आने वाले समय में मोदी जी और बीजेपी के लिए एक चक्रव्यूह बना देगा, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। और राहुल गांधी ने जो कल मोटर मैकेनिक के घर में जो बातचीत की और उसके जो वीडियो आए हैं, तो इससे ये लगने लगा है कि अब राहुल गांधी ने राजनीति की नब्ज पकड़ ली है। राहुल गांधी ने राजनीति की नब्ज पकड़ ली है। आपको पता है देश में मात्र 2% की जो रोजगार है व्यवस्था है वो संगठित क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था है, बाकी जितने भी रोजगार है वो लगभग सभी, मतलब उसकी जो संख्या है वो असंगठित क्षेत्र, जैसे मैकेनिक हुआ, लेबर हुआ, ट्रक ड्राइवर हुआ, ये सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। राहुल गांधी ने इसी को पकड़ा है। आपको याद होगा कि दिल्ली से चंडीगढ़ उन्होंने यात्रा की थी एक ट्रक पर बैठ करके, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, खास करके बीजेपी ने, इससे क्या होगा। कई राजनीतिक पंडितों ने कहा कि ऐसे यात्राओं से कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल गलत बात, राजनीति का मिजाज ऐसे ही बदलता होगा। आपको मैं एक किस्सा बताता हूं। जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी में के कारण से के बाद जब चुनाव हुआ, जब चुनाव हार गई, लगभग देश भर में उनके खिलाफ एक माहौल बना हुआ था और जनता पार्टी की सरकार थी, बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी। उसी वक्त गया में एक नरसंहार होता है, 20 से 22 शेड्यूल कास्ट की हत्या हो जाती है, वो बड़ा नरसंहार था। इंदिरा गांधी को खबर मिलती है, देश लगभग उनको भूल चुका था। इसलिए भूल चुका था क्योंकि इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से देश ने सत्ता परिवर्तन कर दिया था और राजनीति के अज्ञातवास में इंदिरा गांधी उस समय राजनीति में अज्ञातवास था उनका एक तरह से। लेकिन उसी वक्त उस गया में, गया जिले में जो बाथे नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार की खबर मिलने के बाद इंदिरा गांधी दिल्ली से कुछ पत्रकारों को लेकर के वो चली जाती हैं पटना, पटना से फिर गया, और गया में जा करके करीब 3 किलोमीटर का रास्ता जो था वो कीचड़ से सना हुआ था और खेत के मेड़ से चलते हुए जाना था। प्रख्यात उस वक्त के फोटोग्राफर रघु राय ने एक फोटो खींचा था, उसमें उन्होंने जो अपनी साड़ी पहनी हुई थी उसको घुटनों तक वो हाथ में पकड़ करके खेतों के मेड़ से जाती हुई इंदिरा गांधी वहां पहुंचती हैं। और वो जैसा कि होता है, राजनेता आते हैं किसी घर में और वहां पर दुख जताते हैं, चिंता जताते हैं, बताते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन दलितों की हत्या हुई और एक दलित मुख्यमंत्री बिहार में उस वक्त विराजमान थे, उनको खबर तक नहीं। और उस वक्त के आप राजनीतिक पंडितों के अगर विश्लेषण करेंगे या पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो लोगों ने कहा कि उस एक फोटो ने इंदिरा गांधी के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया। और वो फोटो जो था, वो फोटो देश भर के अखबारों में छपी। समझिए कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी की जातियों से काफी एक तरफ से अज्ञातवास की ओर धकेल दिया था भारत के लोगों ने, भारत की राजनीति में उनका एक तरह से काफी विरोध हुआ था, सत्ता परिवर्तन हो गया था। लेकिन एक फोटो ने इंदिरा गांधी के पुनर्वापसी, मतलब कि राजनीति में आने का एक रास्ता बना दिया। लगभग कुछ ऐसा ही राहुल गांधी कर रहा है, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी ट्रक यात्रा, और कल एक मोटर मैकेनिक के घर ऑफिस में जाते हैं, मतलब उसके दुकान पर जाते हैं और उनसे बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले वो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से मिलते हैं। मतलब ये कि भारत जोड़ो यात्रा का जो सफर है, जैसा कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर भी बताया गया है कि जारी है, ये भारत जोड़ो यात्रा अगर इसी तरह चलता रहा, लोगों से कनेक्ट करते रहे। देखिए, चुनाव में किसकी जीत होगी ये तो आप और हम कोई नहीं बता सकता है, लेकिन इतना तो तय है जो जनता से जुड़ेगा जनता उसी को वोट देगी। सिर्फ भाषण देने से, सिर्फ कानून बनाने से आप महंगाई कम नहीं कर सकते हैं। महंगाई कम करने के लिए
या दूसरों पर महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए आपको ठोस पहल करनी पड़ेगी। मोदी सरकार पिछले 9 साल से सत्ता में है, आप रैली करते हैं, आपका रोड शो होता है, जनता आपके साथ जुड़ती भी है, लेकिन वो चुनाव के समय करते हैं। अभी चुनाव नहीं है, चुनाव की सुगबुगाहट तो शुरू हो गई है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीति में एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है जिसमें मोदी यानी कि नरेंद्र दास मोदी और बीजेपी फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत मुश्किल है इस चक्रव्यूह से निकलना, मतलब राहुल को पकड़ना या राहुल पर कटाक्ष करना अब बीते दिनों की बात हो गई। पहले आपने पता नहीं क्या क्या सुना होगा राहुल गांधी को लेकर के, अभी भी सोशल मीडिया में कई तरह की बातें आती रहती हैं, लेकिन देश अब समझने लगा है कि गंभीरता क्या होती है, जन सरोकार क्या होता है। राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक कहें या जो कुछ भी कहें, राजनीति का जो कलेवर है बदलने लगा है, लोग जुड़ने लगे हैं और सवाल भी उठने लगे हैं कि कब तक भाषण से काम चलाएगी जनता, क्या भाषण से पेट का राशन मिलेगा। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं जो राजनीति का मिजाज बता रहा है कि राहुल गांधी ने वो कर दिखाया है जो मोदी अब शायद नहीं कर पाए।